मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे दर्शकों, आप सभी का बार बार अभिनंदन वंदन प्रणाम। दोस्तों, आप सभी पर परमात्मा की कृपा बरसती रहे, ऐसी हमारी शुभ प्रार्थना है। और इसी शुभ प्रार्थना के साथ एक बार मैं पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, आइए हम चलते हैं सपनों में भ्रमण करने के लिए। सपने की जो यात्रा है, जो आपने पूर्ण किया है और देखते हैं हर दिन सपना, उसका क्या अर्थ हो सकता है? दोस्तों, स्वप्न जो भी हम देखते हैं, जो पदार्थ देखते हैं, उसका हमारे जीवन पर प्रभाव होता है। हर सपने का अलग अलग महत्व होता है और ये हमारे घटनाओं से कुछ ना कुछ जीवन से जुड़े होते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो ये सपने हमें कुछ आभास कराते हैं, जो हमारे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में हमें सचेत करते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी कभी स्वप्न में अगर कद्दू सीताफल देखा है, पंपकिन, तो दोस्तों आइए जानते हैं उसका क्या परिणाम हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने सपने में कद्दू देखा है, अगर कोई रोगी देखता है, तो दोस्तों उसका रोग बढ़ सकता है। जी हाँ, उसका अभी जो रोग है वो बढ़ सकता है। कोई रोगी अगर सपने में कद्दू देखता है तो उसे पेट की शिकायत हो सकती है। कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर स्वप्न में कद्दू को देखता है तो दोस्तों उसका मतलब ये होता है कि उसके और भी बीमारियां बढ़ने के चांसेस हैं। अभी जो बीमारियां नहीं हुई, पेट दर्द या पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। तो दोस्तों, कद्दू तो वैसे बहुत फायदे की चीज़ है, लेकिन अगर सपने में कद्दू देखा तो दोस्तों ये अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने सपने में देखा है कद्दू को, तो ये थोड़ा अच्छा सपना नहीं माना जाता, लेकिन आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। दोस्तों, और भी हम ढेर सारी जानकारी सपनों के बारे में आपके लिए लेकर उपस्थित होते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर हमसे आप जुड़े रहना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल। तो अभी तक नहीं किया तो आइकन बटन जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए और आप भी सपनों की बातें जान सके। दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ आप सभी खुश रहें, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर मिलूंगी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।